हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फैक्ट टेक जी चैनल पर। मेरा नाम है विक्रम सिंह। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट पीएनबी बैंक, ओरिएंटल बैंक या यूनाइटेड बैंक में है, तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने फ़ोन से घर बैठे नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर ले, क्योंकि ऐसे ही वीडियो रोजाना इस चैनल पर आती रहती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको अपने फ़ोन के स्क्रीन पे जाकर दिखा देते हैं कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे आप मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग एक्टिवेट करेंगे अपने फ़ोन से। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से PNB One ऐप को डाउनलोड कर लेना है। PNB One ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको उसे ओपन करना है। ओपन करते ही आपसे कुछ परमिशन मांगेगी, तो उसे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए इसका इंटरफेस इस प्रकार का शो होगा। तो यहाँ पर न्यू यूजर लिखा हुआ दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आएगा, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखिए ऐसा आएगा, तो आपको फर्स्ट में अपना अकाउंट नंबर इंटर करना है और नीचे आपको देखिए यहाँ पर मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विस लिखा हुआ दिख रहा है, उस बॉक्स पे आपको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे आपको व्यू एंड ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अच्छे से देख लेना है, अकाउंट नंबर चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा 6 डिजिट का, तो उसे आपको यहाँ पर OTP में इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू करने के बाद सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड नंबर इंटर करना है। तो डेबिट कार्ड नंबर जैसे देखिए यहाँ पर आप मैं इंटर कर रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से आपको भी इंटर कर लेना है, ठीक है। तो आप अपने डेबिट कार्ड का नंबर यहाँ पर इंटर करने के बाद नीचे आपको अपना डेबिट कार्ड का ATM पिन जो है वो यहाँ पर इंटर कर देना है। तो मैं कर लेता हूँ। तो देखिए मैं ATM पिन अपना इंटर कर लिया हूँ। अब यहाँ पर आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट में आपको साइन इन पासवर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर साइन इन पासवर्ड बना लेना है। उसके नीचे आपको कंफर्म पासवर्ड बना लेना है और उसके नीचे ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाकर उसे भी कन्फर्म पासवर्ड कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल योर यूजर ID, तो यहाँ आपको देखिए जो यूजर आईडी दिख रहा है उसे आपको कहीं पर लिख कर सेव कर लेना है। यही आपका PNB One ऐप का यूजर आईडी रहेगा। तब इसे आपको MPIN बनाकर बताते हैं। देखिए यहाँ पर यूजर आईडी के ऑप्शन में आपको यहाँ पर यूजर आईडी डाल देना है। उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो साइन इन पे क्लिक करते ही आपके फ़ोन में जो रजिस्टर्ड नंबर है उसमें 6 डिजिट का OTP जाएगा, तो उसे आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद कंटिन्यू कर दें। तो कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पर MPIN सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट में MPIN सेट कर लें, उसे फिर कन्फर्म कर लें। उसे कन्फर्म MPIN इंटर करने के बाद इस MPIN को आपको याद रखना है, इसी से आप PNB One ऐप में एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर इंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए अब वही MPIN यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद आपका PNB One ऐप देखिए खुलकर आ गया है। अब आप नेट बैंकिंग एक्टिवेट हो गया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।